हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माई अनदर वीडियो। सो गाइज, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे मेरे एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो दोस्तों ये थंबनेल क्या है, इससे कैसे डील करना है, वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड मैंने की थी, उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो सही होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, बट उनकी एक छोटी सी मिस्टेक के कारण क्लेम आ जाता है, उसके बाद वो सीधे अपना वीडियो डिलीट कर देते हैं या वो फिर चैनल ही डिलीट कर देते हैं। तो ये बहुत एक सिली मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि मुझे भी पता है दोस्तों एक चैनल को ग्रो करने में या वीडियो क्रिएट करने में कितना हम लोग का एफर्ट लगता है। इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ जैसे आपको भी समझ में आ जाए कि जैसे कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक जैसी चीज़ों से यूट्यूब पे कैसे डील किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ अभी कि कैसे कैसे क्लेम है, किस चीज़ का क्लेम है वीडियो पे, तो वीडियो को मिस मत करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने अपना मेल वाला सेक्शन ओपन कर लिया है अपने स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट जैन को ही मेरे पास क्लेम आया है एक क्रिएटर की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि न्यू ईयर के स्टार्टिंग पे ही मेरे वीडियो पे क्लेम आ गया तो मुझे कितना बुरा लगा होगा, बट यहाँ पे आपको यही गलती नहीं करनी है कि आपको हल्का सा भी इमोशनल होके कोई वीडियो डिलीट कर देना है या बिना किसी चीज़ को समझे कोई स्टेप उठाना है। पहले आपको चीज़ों को समझना है कि ये जो क्लेम आया है ये किस चीज़ के ऊपर आया है और इससे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेल, हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये एक रियल मेल है, पहले आपको इसको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे जो सेक्शन है इसको नीचे करेंगे आप, तो आप देख सकते हो दोस्तों मेल आया कहाँ से, सबसे पहले आपको ये चीज़ कन्फर्म करना है। तो यहाँ पर ये जो मेल है ये आया है @YouTube.com से, यहाँ पे आप लोग टॉप पे देख सकते हो। तो अगर आपको @YouTube.com या Google.com दिखता है तभी वो मेल जेन्युइन होती है, बाकी और कोई मेल पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है YouTube.com की तरफ से। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं मेल क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हो टाइटल में ऊपर साफ साफ लिखा है, YouTube अ कॉपीराइट क्लेम वॉज क्रिएटेड फॉर कॉन्टेंट इन हाउ टू मेक फोल्डिंग नाइफ बाय यूजिंग पेपर ऑरिगैमी शिवाय शशांक। तो यहाँ पे मैंने 2 साल पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टॉपिक आप देख सकते हो फोल्डिंग नाइफ, मैंने बताया था कैसे बना सकते हैं। तो उसी के ऊपर दोस्तों क्लेम आया है और वो क्लेम किस चीज़ पे आया है वो अब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है मेल, तो यहाँ पे लिखा है, हाय शिवाय शशांक, अ कॉपीराइट ओनर यूजिंग कॉन्टेंट ID हैज़ क्लेम्ड सम मटेरियल इन योर वीडियो इज लाइव एंड द विजिबिलिटी सेटिंग्स यू सेलेक्टेड रिमेन्स अप्लाइड टू इट, बट इट इज़ नाउ आइदर बींग मोनिटाइज्ड बाय द कॉपीराइट ओनर और दे हैव चूजन टू रिसीव एनालिटिक्स अबाउट इट। दिस इज नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, दिस क्लेम डज नॉट अफेक्ट योर अकाउंट स्टेटस। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा है कि आपने जो वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो अभी भी आपके चैनल पे लाइव है और जो विजिबिलिटी सेटिंग्स थी वो सब कुछ उसी की तरह है, बट अब ये जो वीडियो है ये मोनेटाइज नहीं है आपके लिए, क्योंकि अब इससे जो अर्निंग होगी, जो एड्स इस वीडियो पे चलेंगे अगर चलते हैं तो वो उसका रियल ओनर जो है जिसने क्लेम दिया है उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको डीमोनेटाइज कर दिया गया, मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस वीडियो के थ्रू अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो है, ये सब कुछ मैंने बता दिया और यहाँ पे की स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज़ नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, दिस क्लेम डज नॉट अफेक्ट योर अकाउंट स्टेटस, मतलब ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, ये कॉपीराइट क्लेम है और ये आपके चैनल का स्टेटस अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जब कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपके चैनल पे अफेक्ट पड़ता है, बट दोस्तों यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट क्लेम पे आपके चैनल स्टेटस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये डिपेंड करता है उस वीडियो के ऊपर जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। तो यहाँ पे ये सारी बात हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कुछ बताया गया है और आप दोस्तों यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे देख भी सकते हो कि आप क्या कर सकते हो आगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था जो मेरा स्पीकर वाला वीडियो था, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम दोस्तों एक बार आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उस वीडियो का स्क्रीनशॉट और यहाँ पे किस कारण से क्लेम आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो दोस्तों, ये है पूरा थंबनेल इसका और यहाँ पे ये 2 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था 10 दिसंबर 2018 में। और यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लेम किस चीज़ पे आया है, कौन से टाइप का है, वीडियो ऑडियो क्या चीज़ मटेरियल कॉपीराइटेड है।
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो भी चीज़ कॉपीराइटेड होती है, जो भी चीज़ आपकी नहीं होती है, वो चीज़ का डिस्क्रिप्शन पे एक ऐड हो जाता है फीचर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में ये एक चीज़ ऐड हो गई है, ये जो क्लेम आया है वो ऑडियो टाइप का है, मतलब जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मटेरियल मेरा नहीं है, इसलिए इस वीडियो पर क्लेम आया है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे साफ साफ लिखा है म्यूज़िक इन दिस वीडियो, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है, सॉन्ग क्या है, हैप्पी मोड करके एक सॉन्ग है, आर्टिस्ट का नाम लिखा है, एल्बम, ये सारी चीज़ लिखी है दोस्तों। और ये इस बैकग्राउंड म्यूज़िक के कारण ही मेरे इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इससे हम लोग को डील कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा, इसमें मैंने अपनी ही वॉइस दी है, मैंने सब कुछ वीडियो जो दिखाया है वो सब भी मेरा ही है दोस्तों, जेन्युइन है। बट यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो दोस्तों मैंने उस टाइम पे YouTube से ही ली थी, तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ऑडियो टाइप, वो मेरा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग को इससे डील कैसे करना है, उसके हम लोग को दोस्तों चार ऑप्शन मिलते हैं कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए। सबसे पहला, रिमूव अ सेगमेंट, मतलब जो सेगमेंट है जिसमें कॉपीराइट क्लेम आया है वो आप रिमूव कर दो। दूसरा ऑप्शन होता है रिप्लेस बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब जो वॉइस है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी और बैकग्राउंड म्यूज़िक से जो कॉपीराइटेड फ्री हो। और थर्ड ऑप्शन होता है दोस्तों म्यूट करने का, मतलब जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो भी ऑडियो है उसको आप म्यूट कर सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन होता है डिस्प्यूट का, बट दोस्तों वो जो ऑप्शन होता है वो तब आपको यूज़ करना है जब आप जेन्युइन हो, जब आपकी ही मटेरियल हो, आपकी ही चीज़ हो और गलत कॉपीराइट क्लेम आया हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो मेरा स्पीकर वाला वीडियो था उस पर मैंने डिस्प्यूट किया था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो मटेरियल था वो सब कुछ मेरा ही था, और जो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ की थी वो भी दोस्तों यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से यूज़ की थी जो फ्री होती है। बट यहाँ पे दोस्तों इस बार ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक ली थी ये ऑडियो लाइब्रेरी से नहीं ली थी, इसलिए मैं डिस्प्यूट नहीं कर सकता हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें सही तरीका क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इस कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा म्यूट वाला ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे जो पहले तीन ऑप्शन हैं वो तब काम आते हैं जब आपका रियल ओरिजिनल कंटेंट ना हो, मतलब मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो आपका ना हो। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया सेगमेंट को कट करना, दूसरा ऑप्शन ऑडियो को रिप्लेस करना, तीसरा ऑप्शन ऑडियो को म्यूट करना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, इस वीडियो में जो ऑडियो है दोस्तों, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मैं रिमूव कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ट्यूटोरियल दिखाया है उस फोल्डिंग नाइफ का, उसमें मैंने कुछ बोला नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ऑडियो म्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे थर्ड ऑप्शन सबसे सही लगा, क्योंकि अगर आप गलत डिस्प्यूट करते हो तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं प्रोसेस करूँगा उसका मैं एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आपको ऑडियो म्यूट करना है, क्योंकि उसमें भी आपको फर्दर दो ऑप्शन मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वो नहीं बता पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने वो ट्यूटोरियल शूट नहीं किया है। आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपको कॉपीराइट कैसे रिमूव करना है ये ऑडियो के हेल्प से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे इंडियन वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।